हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ब्रज के दर्शन कराने। यहाँ हम कहा जाता है कि 84 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन की, तो हम लोग तो आलसी आदमी तो कर नहीं पाएंगे। सोचा कार से ही आप लोगों को ट्रिप करा दें। ये रास्ता है, यहाँ से शुरू होती है परिक्रमा। रास्ते में जो जो भी मिलेगा हम आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आगे मार्ग पर राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन मंदिर, तीन गंतव्य मिलेंगे। बीच में एक हम लोगों को बहुत खूबसूरत मंदिर मिला था, शायद वो परमहंस जी महाराज ने बनवाया था। हम उस आपको वहाँ के दर्शन कराने के लिए चलेंगे। ये पद यात्रा करते हुए तीर्थार्थी माफ कीजिएगा, हमारा जो कैमरा है वो IS टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए आप कहीं कहीं जो पिक्चर है वो स्टिल नहीं है, मूव कर रही है। मैं इस मंदिर की बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। डिटेल्स में बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बहुत थके हुए थे, तो बहुत डिटेल इसकी हम आपको नहीं बता पाएंगे। अंदर आप हम आपको लेके चलते हैं। देखने में कुछ कुछ साउथ का आर्किटेक्चर लग रहा है। अंदर श्री कृष्ण भगवान शोभायमान है, जो कि अपने युवा स्वरूप में उन्होंने अपने हाथों पे चक्र को धारण किया हुआ है। अंदर का दृश्य चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। चलिए हम आपको लेके चलते हैं राधा कुंड दिखाने। इस राधा कुंड के बारे में तमाम कहानियां जो प्रचलित हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में डिटेल शेयर की हुई है, आप प्लीज़ नीचे जाके उस पर देख सकते हैं। यहाँ लोग राधा जी का श्रृंगार भी करते हैं। ये कुसुम सरोवर है, इसकी डिटेल भी मैंने आप डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। बहुत ही सुंदर बनाया गया हुआ है। पास में ही राजस्थान का बॉर्डर है, कुछ राजाओं द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, जैसे कि नाम है कुसुम सरोवर। कहा जाता है आसपास बहुत सारे फूल के बगीचे रहे हैं। इस तालाब में जीर्णोद्धार किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया, कोशिश भी की है कि काफ़ी बतकें भी जो है विहार कर रही हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है ये। हम लोग अंदर नहीं गए तो बाहर से ही शूट कर लिया। इट्स अ ब्यूटीफुल मार्वलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर शोन ओवर हियर। देखने में ही आपको राजस्थान के मंदिरों की और महलों की याद दिलाएगा। दीज आर द डक्स फॉर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आइए हम आपको लेके चलते हैं गोवर्धन मंदिर पे। इस मंदिर में बताया जाता है गोवर्धन शिला जो है स्थापित की गई, इसी की पूजा होती है। यहाँ पर श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। सबसे खूबसूरत मंदिरों में से, मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है ये। आप यहाँ पे आवें तो इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर ज़रूर जाएं। कहते हैं यहीं पर परिक्रमा जो है समाप्त होती है गोवर्धन की। भक्तों का जमावड़ा, प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ पे, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट थी तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स ने शूट भी नहीं करने दिया है। जो भी फुटेज हमें मिल पाई हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बगल में छत्रियों का पूछने पूछने वाली बात है, का बनाया हुआ है, यहाँ बताया जाता है विभिन्न राजाओं की छत्रियाँ रखी गई हैं, छत्र जो हैं वो रखी गई हैं। इसको हिस्टोरिकल पीस मॉन्यूमेंट भी घोषित किया गया है।